आज तक संसार ने देखा है कि जब भी दो भाई सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके बीच शत्रुता होती है। पर क्यों ना आप संसार के सामने एक नया उदाहरण रखें जिसमें दो भाई सिंहासन पर बैठे तो एक और एक 11 बने। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। सिंहासन परिवार को बांटता है, परिवार सिंहासन को नहीं बांटता, और यही राजनीति का प्रथम और अंतिम सत्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मराठा इतिहास में कभी सिंहासन का बंटवारा हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी होना भी नहीं चाहिए। हमारी सोच, हमारे निर्णय अलग नहीं होंगे तो फिर साम्राज्य कैसे अलग होगा? साम्राज्य साझा नहीं होता, वो या तो मेरा होता है या किसी और का। अयम निज परो वेद्य गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम दु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। पर जिसका मन बड़ा होता है उसके लिए पूरा विश्व उसका परिवार होता है। जिस संस्कृति ने परायों को भी अपना बनाना सिखाया हो, वहां आप अपनों को भी पराया बनाना सिखा रहे हैं। महाराज, हमारे शत्रु तारारानी साहेब और राजे नहीं, मुगल हैं। यदि तारारानी साहेब का अनुभव, महाराज का साहस और हम सबका जुनून मिल जाए तो हम देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आयु का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। बाजी ने जो बातें कही वो पूर्ण रूप से आदर्श है। पंडबाजी, यहां निर्णय अवसर देखकर लिए जाते हैं, आदर्श देखकर नहीं। यदि हम राजे से युद्ध नहीं करेंगे तो वो इसे हमारी उदारता नहीं दुर्बलता समझेंगे, यानी हमसे पूरा साम्राज्य मांगेंगे। यानी जब राजे हम पर प्रहार करेंगे तो हमें प्रत्येक देशवासी का समर्थन चाहिए होगा। पर हमारे लोग हमारा समर्थन करेंगे क्यों, जबकि वो जानते ही नहीं हम हैं कौन, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं। कई लोग तो हमें मुगलों का भेजा हुआ बहरूपिया समझते हैं। हम उनके मन से ये संदेह दूर किए बिना ये आशा नहीं कर सकते कि वो हमारा साथ देंगे। इसीलिए हम अपने देशवासियों को संबोधित करेंगे, यदि उनका आशीर्वाद उनका समर्थन हमारे साथ है तो ही हम सिंहासन पर बैठेंगे, अन्यथा राजे आके अपना सिंहासन ले सकते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे। हम राजा बनेंगे या नहीं इसका निर्णय सातारा की जनता लेगी। धाना जी, जनता को संबोधित करने का प्रबंध किया जाए। शाहू जी, यदि किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। गोटिया, होती तो हो जाने दे, अब मैं डर डर कर नहीं जी सकता। बाजी का परिवार मेरा परिवार है और मैं मेरे परिवार से दूर नहीं रह सकता। दूर तो मैं भी नहीं रह पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गांव वालों को हो क्या गया। उन्हें क्या अंतर पड़ता है कि काका शाहू जी का समर्थन करे या किसी और का। सातारा की राजनीति सासपड़ में लड़ाई क्यों करवा रही है और ये गांव वाले हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि ये किसी और की बात सुन रहे हैं। म्हणजे
तेरे पिता देशद्रोही है, हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। ये गुरुजी ने शुरू किया। गुरुजी ने बाड़ू को हमारे घर की निगरानी के लिए भेजा, वरना बाड़ू को कैसे पता चलता कि गोटिया भाऊ हमारे लिए भोजन लाए हैं। गुरुजी बाजी को और राधा काकू को अपना मित्र नहीं मानते, ये तो पता था, पर ये नहीं पता था कि वो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। बात मात्र इतनी नहीं है गोटिया भाऊ, ये राजनीति है और राजनीति में सामने दिखता कोई और है और पीछे बैठकर खेल खेलता कोई और है। यदि गुरुजी को बाबा को शाहू जी का समर्थन करने से कोई समस्या थी तो उन्होंने ये प्रश्न तब क्यों नहीं उठाया जब बाबा गांव में थे? हमारे परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाने से पूर्व उन्होंने बाबा और भाऊ के चले जाने की प्रतीक्षा क्यों की? बात तो सही है चिमना, पर इसका कारण क्या हो सकता है? वो तो पता करना ही होगा, चाहे उसके लिए भाव की तरह टेढ़ा रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। हमारे देशवासियों, नहीं, हमारे प्रिय मित्रों, नहीं, हमारी बात सुनने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्यों? क्योंकि आप दिल से नहीं बोल रहे हैं महाराज। बाजी, ये हमारे पूर्वज हैं, हमने बचपन से इस दिन की प्रतीक्षा की कि कब हम स्वतंत्र होंगे, इनके पदचिन्हों पे चलेंगे, अपनी देश की सेवा करेंगे। पर आज जब वो दिन आया है तो ऐसा लगता है कि हम इस कार्य के योग्य नहीं। हमारे अजोबा छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा ही नहीं, एक महान वक्ता भी थे। उन्होंने अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को हराया, अनि अपनी वाणी से प्रजा का हृदय जीता। पर हमें लगता है हम उनका ये इतिहास नहीं दोहरा पाएंगे। इतिहास तो वो दोहराते हैं महाराज जिनमें इतिहास बनाने की क्षमता नहीं होती। आप इतिहास दोहराएंगे नहीं, एक नया इतिहास लिखेंगे। पिता की विरासत का बोझ तो हर पुत्र पर होता है, मुझ पर है, आप पर है, पर आपके कंधों पर मात्र अपने पिता के विरासत का बोझ ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की आशाओं का भी बोझ है। अब ये कंधे झुक नहीं सकते महाराज। पर बाजी, हम बोलेंगे क्या? आपके पास एक सपना है महाराज, स्वराज का सपना, एक ऐसे समाज का सपना जहां समय के साथ चलने पर संस्कार पीछे ना छूटे, जहां प्रगति और संस्कृति साथ साथ चले, एक ऐसे समाज जिसके पांव अपने गौरवशाली अतीत की मिट्टी में हो और सर आने वाले भविष्य के आकाश में। आप अपने सपने के बारे में बात करेंगे, फिर आप जो कुछ भी कहेंगे मन से कहेंगे, और मन से कही हुई बात मन तक पहुंच ही जाती है महाराज। मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम।
क्या काम है? अगर राधाबाई और उसके परिवार के बारे में बात करने आए हो तो मेरे पास वक्त नहीं है। हम आपसे बात करने नहीं गुरुजी, आपसे पढ़ने आए हैं। आज अचानक माँ सरस्वती की याद कैसे आ गई? पाठशाला में तो कभी पढ़े नहीं तुम। पढ़ू नहीं तो और क्या करूँ गुरुजी? मैंने तो सोचा था सारा जीवन बाजी का लक्ष्मण बनकर बिता दूंगा, पर अब जब बाजी और उसके बाबा देशद्रोही बन गए हैं, तब मेरे पास कोई मार्ग ही नहीं रहा। आज से पहले हमने कभी पढ़ाई की चिंता नहीं की, क्योंकि जो शब्द नहीं आता था वो चिम्मा समझा देता था, पर अब ये संभव नहीं है। मेरा विवाह तय हो गया गुरुजी, पर नम्रता ने स्पष्ट कह दिया यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो विवाह नहीं होगा। मुझे आपके आशीर्वाद और आपकी सहायता चाहिए गुरुजी। काश हमने आपकी बात पहले सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हम आपकी मां तो समझ ही नहीं पाए गुरुजी, अब हम आप ही से पढ़ेंगे। आप जैसा विद्वान इस संसार में नहीं है। शास्त्रों में लिखा है विद्वान की महानता उसके गांव वाले कभी नहीं समझते। तुमने मेरी महानता तो समझी पर देर से, अब हम तुम जैसे गवारों को कभी नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर गाय बैलों को पढ़ाएंगे गुरुजी? चुप मूर्ख, पंत प्रतिनिधि ने हमें व्यक्तिगत रूप से राजकीय महाविद्यालय में गुरु बनने का प्रस्ताव दिया है। अब हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। ये सब सहयोग नहीं हो सकता। पंत प्रतिनिधि तो सदैव से बाबा और भाव के विरुद्ध थे। ये हो सकता है कि गुरुजी जो कर रहे हैं उसके पीछे वही हो। पर हमें ये बात गुरुजी से सबके सामने स्वीकार करवानी होगी। पर कैसे? मात्र इतने ही लोग? शाहू जी, ये तारारानी साहिब के वफादारों का इलाका है। इनका विश्वास जीतते जीतते समय लगेगा। या आज यहाँ आने से पहले हम संकोच कर रहे थे, क्योंकि जब हम कहीं खड़े होते हैं तो मात्र हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ हमारे पिता स्वर्गीय संभाजी महाराज आणि हमारे अजोबा छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा आणि उनके संस्कार भी खड़े होते हैं। हम असमंजस में थे कि हम उनकी विरासत का मान रख पाएंगे या नहीं। किसी ने हमसे कहा कि मात्र हम ही नहीं, इस संसार का हर पुत्र अपने पिता की आशाओं का भार ढो रहा है। हमारे पिता आणि हमारे अजोबा ने इस देश को नई आशा ही नहीं, नई परिभाषा भी दी है, स्वराज की परिभाषा। हम उनकी विरासत को अपने कंधों पर ढो पाएंगे या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मात्र समय दे सकता है। पर हम आप सबसे एक बात अवश्य कहना चाहेंगे, औरंगजेब की कैद में हमने एक बात सीखी, मुगल चाहे तो हमसे हमारे पिता का जीवन छीन लें,
हमारी आई साहब और हमारी दोनों पत्नियों की स्वतंत्रता छीन लें, पर वो जो हमसे नहीं छीन सकते हैं वो है हमारा सपना। हमारा सपना हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना, स्वराज का सपना, एक ऐसा स्वतंत्र देश जहां कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी नींव वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रखी हो। ये सपना मात्र हमारे अकेले का सपना नहीं, इस मिट्टी में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का सपना है, और देश को जोड़ने का सपना हम परिवार तोड़कर आरंभ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम यहां सतारा से शासन चलाएंगे, अणि राजे कोल्हापुर से। हम राजे से युद्ध नहीं करेंगे, अणि राजे के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध करेंगे, क्योंकि ये युद्ध शांति स्थापना के लिए अनिवार्य हो चुका है। हमारा लक्ष्य युद्ध नहीं है, शांति है। साहू महाराज की जय। सतारा के राजा साहू जी महाराज की जय। सतारा के राजा साहू जी महाराज की जय। सतारा के राजा साहू जी महाराज की जय। पंत प्रतिनिधि का संदेश है, उन्होंने हमें अभी इसी समय मंदिर के पीछे मिलने के लिए बुलाया है। इसी संदेश की प्रतीक्षा थी। नमस्कार पंत जी। क्या हुआ पंत जी, हमसे कोई भूल, हमसे कोई अपराध हुआ है क्या? आप इस तरह मुंह फेर कर क्यों खड़े हैं? आप अपने मन में झांक कर स्वयं से पूछे आचार्य जी। हमने तो वैसा ही किया है जैसे आपने कहा था। गांव के मुखिया के साथ साथ पूरे गांव वालों के मन में बालाजी के परिवार के प्रति घृणा पैदा कर दी। उनके मन में यह विश्वास दिलाया है कि बालाजी का परिवार देशद्रोही है। गाँव के मुखिया से कहकर पूरे गाँव में बालाजी के परिवार के प्रति सामाजिक बहिष्कार की मुनादी कर दी। उनका दाना पानी भी बंद करवा दिया। परंतु पंत जी, बालाजी का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है। बाजी नहीं था तो चिमा ने अपना रंग दिखाया। उसने स्वयं अपने आई के लिए औषधि बनाई, और तो और उसने अपने आई के साथ मिलकर उनकी सहायता करने वाले गोटिया के परिवार को भी मुखिया से क्षमा दिलवाई। परंतु आप चिंता ना करें पंत जी, अब हम कोई भी सहायता उन तक पहुंचने नहीं देंगे। सत्य कहा गुरुजी। गुरु का दर्जा तो ईश्वर से भी बड़ा होता है, और आप गुरु होकर इतना नीचे गिर गए। आपने हम पर अत्याचार किया और गांव वालों के साथ विश्वासघात, यही आपका सत्य है। सत्य वो होता है जो सिद्ध हो सके, और तुम इस सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, मैंने तुम्हारे परिवार के प्रति षड्यंत्र रचा, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती गुरुजी।
मेरा कहने का मतलब था कि बस गुरुजी बस गप बसा। आप पहले से ही मेरी नजरों में गिर चुके हैं। अब इस तरह की झूठी कहानियां बनाकर स्वयं को और मत गिराइए। आपने हमें बालाजी के विरुद्ध भड़काया जबकि सत्य यह है कि वो सही थे। साहू जी हमारे असली राजा हैं जिन्होंने आधा राज्य छोड़ दिया लेकिन अपनों के साथ युद्ध नहीं किया। अब सातारा के सिंहासन पर वही बैठे हैं और हमारी निष्ठा उनके साथ है।